साथियों, कुछ लोगों को जब वो सो रहे होते हैं तो स्वप्न दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। और नाइट फॉल भी दो तरीके का, नाइट फॉल विद ड्रीम्स और नाइट फॉल विदाउट ड्रीम्स। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी नाइट फॉल विद ड्रीम्स की। यदि ये प्रॉब्लम आपको है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रूट कॉज अलग अलग है। नाइट फॉल विद ड्रीम्स का कारण दूसरा है, और यहाँ आज बात होगी नाइट फॉल विदाउट ड्रीम्स। कोई सपना वपना नहीं आ रहा, अच्छा खासा व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते उसका वीर्यपात हो जाता है। तो ऐसा इंटरनल ऑर्गन्स में क्या गड़बड़ी आ रही है, किस ऑर्गन की ऊर्जा में कमी है, समझेंगे। ये तो एक्यूट स्थिति है, यदि आपने समय रहते इसका उपचार नहीं किया तो एक समय ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि दिन के समय में जैसे ही आपके मन में सेक्स के भाव आते हैं तो दिन में भी अपने आप ही वीर्यपात भी हो सकता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो सकती है। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, जिसको आप जब करेंगे स्टिमुलेट तो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में घर पर रहकर ही अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जो लोग अक्सर हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं तो ऐसा करने से उनकी जो किडनी में ऊर्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि किडनी का सीधा संबंध है व्यक्ति की यौन ऊर्जा के साथ में। किडनी ची, किडनी एसेंस, ये पूरे के पूरे जिम्मेदार होते हैं वाइटलिटी के लिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो ऐसे में किडनी की ऊर्जा कम हो जाती है, किडनी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, किडनी जो शुक्राणुओं को जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और वीर्यपात होने लगता है। तो अब हमें ऐसे पॉइंट्स देने हैं जो किडनी की ऊर्जा को बढ़ा दें और किडनी की जो एसेंस है इसको भी परिष्कृत करें। आइए अब समझते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट्स को। साथियों, सबसे पहले निगाह डालते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स की। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं। आप कहेंगे कि मैम ये मैग्नेट्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcure.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि इनवॉलेंट्री इमिशन को ठीक करता है वो है साथियों हमारा मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, जॉइंट्स स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है SP6। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 6 है, 1x1 समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा SP6, और SP6 पे हमें मैग्नेट इस प्रकार से लेना है कि पेपर टेप में कि स्किन में जो टच होगा मैग्नेट का वो है येलो कलर, और बाहर से हमें दिखाई देगा वाइट, और जो ये हमारा पॉइंट है SP6 इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे। एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है साथियों, दो पॉइंट वो हैं जो कि किडनी की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, उसकी फंक्शनिंग को ठीक करते हैं, क्योंकि ऊर्जा में कमी थी ना किडनीज की। तो दो पॉइंट बहुत ही पावरफुल पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट तो साथियों हमारा इस जगह पे आ रहा है, इस पॉइंट का नाम है मिड लाइन पे नहीं है, मिड लाइन से स्लाइट, यदि हम मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यदि हम सीधी लाइन खींचते हैं तो मिड लाइन से स्लाइटली थंब की तरफ है। पॉइंट का नाम है K12, किडनी 12। और एक पॉइंट साथियों हमारा पीछे की तरफ है कि यदि हम इस तरीके से जो थंब का जो बेस है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और जो ये हमारी मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में और जो रिस्ट फोल्ड का बीच हम कर लें इस प्रकार से, एक मैंने खींचा हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी मैंने खींची वर्टिकल लाइन, जहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर रही है इसी के साइड में हमारा ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है यूरिनरी ब्लैडर 23। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स
मैग्नेट देख लेते हैं, इस प्रकार से लगेंगे कि स्किन में जो टच होगा येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट। यूनर ब्लडर 23 पर हमें इस प्रकार से मैग्नेट को लगाना है। हम कर रहे हैं टोन, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग को हमें ठीक करना है, तो इस प्रकार से हम दोनों के दोनों पॉइंट्स को हम टोन कर देंगे। तो ये हमने किया। इसके बाद में अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हुए 1, 2, 3। टू पॉइंट्स और बहुत ही खास हैं, और वो पॉइंट है साथियों, आएंगे मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में जो मिड लाइन है, क्योंकि अभी जो पॉइंट था K12 वो मिड लाइन पे नहीं था, और मैं इस तरीके से एक मिड लाइन खींचती हूँ। मैंने मिड लाइन खींच दिया तो ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है साथियों इस जगह पे, नाम है इसका CV4, और एक और पॉइंट है इसका नाम है CV6। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो ओरिजिनल जी है, युवान जी है, इसके बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं CV4 और CV6। इस पर जब हम, क्योंकि ये जो वीर्यपात हो रहा था, इनवॉलेंट्री इमिशन हो रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा, तो इस पर भी हम इस प्रकार से मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट, और हम इन पॉइंट को लगा देंगे मैग्नेट। एक पॉइंट और है साथियों, वो किडनी का ही पॉइंट है, और आप, मैं इसको हटाती हूँ ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। ये पॉइंट हमारी मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, और जॉइंट पे बिल्कुल किनारे टुवार्ड्स थम ही ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है K3, किडनी 3। इस पर भी हमें इसी तरीके से मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से तो दिखाई देगा वाइट, और इस पॉइंट पर भी इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे। K3 पर भी, SP6 पर भी, K12 पर, CV4, CV6, यूरिनरी ब्लडर 23, ये पॉइंट्स बायलेटरल है, दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को करना है। कुछ दिनों तक आप रात में लगाकर इसको सो भी सकते हैं, 7-8 घंटा तो हर कोई सोता है, सोते सोते आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप हफ्ते भर 10-15 दिन जरा लगाकर तो देखिए, चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अब वाइटलिटी आपकी कितनी बढ़ गई है, और जो इनवॉलेंट्री इमिशन था उसमें भी अब आपको बहुत आराम मिलेगा। तो साथियों, यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम ये सारी बारीकियां घर बैठे ही आपको सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज को सीख के आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का आप उपचार कर सकते हैं। यदि आपका मन है इस फील्ड में करियर बनाने का, तो जो भी आप कोर्स करते हैं, जो हम सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं, उसके बिहाफ पे आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।